एलनाबाद का सियासी एक घमासान चल रहा है। एलनाबाद में उपचुनाव चल रहा है। इस उपचुनाव के रंग आपको MLAG.com पर हम लगातार दिखा रहे हैं। एक रंग ऐसा भी है, एक राजनीतिक दल के लिए गौरव की बात हो सकती है कि उसके कार्यकर्ता इतने ज़्यादा शिद्दत से उनके लिए काम करें। हमारे साथ ऐसे ही कार्यकर्ता हैं, हमने उनको साइकिल पर चलते हुए देखा है। लगातार हमने 500 किलोमीटर उनको देखा, वो साइकिल पर चले आ रहे थे, तो हमने रुक के उनसे बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। क्या शुभ नाम जी आपका? नाम तो रामपाल जी। रामपाल जी, हमने आपको देखा, लगातार आप साइकिल पर चल रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं। ये क्या यात्रा है आपकी साइकिल पर? आपकी पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा लगा हुआ है, और आप क्या करने निकले हैं और कब से निकले? मैं निकला तो जी 8 तारीख से। 8 तारीख से मैंने अपना मिशन बनाया था कि मैं हर गांव में जाऊं, साइकिल यात्रा निकालूँ एलनाबाद के हर गाँव में जी, और उन लोगों को बताऊँ दोनों पार्टियों के बारे में, तीनों के बारे में, कांग्रेस की क्या पोजिशन है, क्या है कांग्रेस और क्या है BJP और क्या है INL। मैं लोगों को बताऊं, इसलिए मैंने पैदा ये साइकिल यात्रा ने आज मैंने मेरा समापन हो गया जी, पूरी कर दी। सारे 73 गांव सारे कर लिए आपने? सारे कर दिए जी, ये मेरे पास लिस्ट है उनकी बनाई हुई। अच्छा, ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ, और क्या समझते हो, आपने जो मैसेज दिया, जो आपने संदेश दिया लोगों हाँ, को हाँ, अपनी पार्टी के बारे में बताया और आपने कहा आपने अंतर बताया तीनों पार्टियों का, क्या अंतर है? आपने एक ताकड़ी ले ली तोल के बताया होगा, तो बताया होगा इस तरह से। तो जो आप BJP के बारे में आप क्या सोचते हो, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे उम्मीदवार है गोविंद कांडा, तो उसने उतारा है अपना, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी जा रहे हैं गांव गांव, वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं, क्या सोचते हो इस पार्टी के बारे में? क्या सोचते जी? मैं कांडे कुंडे को तो जानता नहीं, स्पष्ट सी बात बताऊंगा, मैं BJP के बारे में आपको बता सकता हूं। जी जी, BJP जो पार्टी है ये राष्ट्रीय पार्टी है, और जो ये काले कानूनों के विरोध में लोग 10 महीने से बैठे हैं उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो आज देश और प्रदेश के अंदर काले कानूनों के खिलाफ एक माहौल है देश में और प्रदेश में जी, और ये उसी माहौल के अंदर चुनाव हो रहा है। तो BJP पार्टी जो है वो ना किसान हितैषी है, ना वो मजदूर हितैषी है, ना वो कर्मचारी हितैषी है। अगर ईमानदारी से कोई सोचते, ईमानदारी से आज हर वर्ग का लोग, हर वर्ग आज सड़कों पर है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, कोई भी है, वो ये तानाशाही करना चाहते हैं। तो मैंने लोगों को बताया, भाई देखो जो कांग्रेस भी इतनी ही दोषी है, कांग्रेस भी इतनी ही दोषी है जितनी BJP। INL में अभय सिंह जी ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि किसानों के साथ में खड़ा हूँ, अब क्या लगता है आपको, किसान उनका जो उन्होंने किया है उसका उनको जवाब देंगे, उसका फल देंगे क्या इस इलेक्शन में? देखो जी, मुझे ऐसा लगा, मेरी यात्रा है, मैं कोई मीटिंग जलसा तो कर नहीं रहा, मैं तो यात्रा कर रहा हूँ, गाँव की गलियों में घूम जाता हूँ, जहाँ आदमी मुझे बैठे मिलते हैं उनसे बात कर लेता हूँ, जो अलग जाता है उससे बात कर लेता हूँ। तो मुझे 70% सच्चाई बताऊँगा, 70% की आवाज़ तो मुझे पॉजिटिव मिली INL के प्रति, और 30% लोगों की वो चुप, या तो कुछ लोग चुप रहते थे या ऐसे कर लेते थे, मतलब वो नेगेटिव भी समझता हूँ मैं, तो मुझे तो ये दिखा जी, ये लगा जी। तो और जैसे आप आ रहे थे, ये मैंने देखा एक इनोवा गाड़ी रुकी आपके पास, ये साथी जो हैं शाहबाद से ये सारे, ये तो मेरा परिवार है जी, INL परिवार है। ये तो लोग वो हैं कि हमारी जो स्थिति INL में थी, इलाहाबाद हल्के ने हमारी INL पार्टी का मान और सम्मान रखने का काम किया है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं जींद जिला का रहने वाला हूँ, वहाँ जब 2019 का चुनाव हुआ तो किसी हलके में 3000 वोट, किसी में 250, किसी ना 2500, किसी में 4000, एक हलका 800 ही रह गया था। तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ आज इलेक्शन करवा लो, 5 की 5 सीट INL की आएंगी। हमारा जो वोट कन्वर्ट हुआ था इधर जजपा की तरफ, वो सारा वापस INL में आ चुका है, और वो आपने देख भी लिया होगा, मेरी कहने की जरूरत नहीं, INL की रैली कितनी सफल हुई है जी, कितनी सफल। हाँ, और इसका सबका श्रेय, हाँ समान दिवस है, और इसका श्रेय मैं सबको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला व अभय सिंह जी को देना चाहता हूँ कि अभय सिंह जी ने चौटाला साहब के आदेशानुसार किसानों के हक में इस्तीफा देकर INL पार्टी के अंदर जान डालने का काम किया, और आने वाला समय INL का होगा, यही मेरी सोच है जी जी। क्या शुभ नाम जी आपका? गुरविंदर बाछल, हल्का प्रधान शाहबाद से। आप शाहबाद से हो, आपने देखा बाबा जी को इनको, ये आपने गाड़ी रोकी, मैं भी आपको देख रहा था,
क्या सोचते हो जब ऐसा कार्यकर्ता आपके पास है, इतनी उनकी उम्र मेरे ख्याल मुझे लगता है 75 से ऊपर शायद हो, 72 के हो आसपास कहीं पापा, मैंने यही कहा लगभग अंदाजा। आप क्या समझते हैं इस तरह के जब कार्यकर्ता आपके पास, आपकी पार्टी के पास हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के पास हैं, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, साइकिल पर भी जा रहे हैं। अभी कलभी सिंह जी किस्सा सुना रहे थे कि ऊंट पर बैठकर किसी ने बिरला को हरा दिया था वोट मांग कर, तो क्या सोचते हैं, क्या भविष्य समझते हैं आप अपनी पार्टी का? हमारी पार्टी का चौधरी अभय सिंह जी ने किसानों के फेवर में जो इस्तीफा दिया था, और आज हमारी यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। अब हमारी मालेखा गांव में ड्यूटी लगी है, हम वहाँ पे देखने के लिए आए थे और मिलके भी आए हैं वर्करों से, तो यहाँ बहुत बढ़िया कंडीशन हमारी पार्टी की चल रही है। और जो इस्तीफा दिया था, मेरे ख्याल में उससे लगता है कि हमारी पार्टी 70% वोट कम से कम सारे हलके से लेकर जाएगी, और जैसे ताऊ जी हमारे साथ ऐसे ऐसे वर्कर हैं तो पार्टी तो फिर ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे तो नहीं आएगी। इसलिए हम तो यही अंदाज़ा लगा रहे हैं, और हमारी 16 तारीख से हमारी ड्यूटी है, फिर हम यहाँ पे आके एक हफ्ते के लिए अपना काम सामेंगे। तो ये एक रंग है चुनाव का जो हम आपको दिखाना चाहते थे, ताऊ जी से भी आपने मिले, आपने देखा कि किस तरह से काम कर रहे हैं, और बाई चांस वाली बात है कि ये सारे लोगों के सदस्य हैं, साथी हैं, सारे मिल गए हैं हमें यहाँ पर, और वो अपनी पार्टी के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। 30 को चुनाव होगा, 2 को परिणाम आएगा, तब पता चलेगा उनकी मशक्क़त ने कितना रंग लाई है और कितना उसका परिणाम उनको मिलता है, लेकिन उनकी मेहनत में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ MLAG.com पर, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं धरातल की सच्चाइयाँ, कोई हवा हवाई नहीं, सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।